अगर आप चाहें तो मास्क उतार सकते हैं। आपकी ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने 2016 में पास आउट कर लिया था, उसके बाद फिर 3 साल सर मैंने 2017 में गेट क्वालिफाई किया था। 2017 गेट और उसके मेरा हमेशा 16 से ही सिविल सर्विसेज में जाना था, लेकिन जब मैंने टेक्निकल में ग्रेजुएशन किया तो मुझे वहाँ कैपेसिटीज में यूज़ करनी थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे उतनी अच्छी रैंक मिली नहीं। क्या रैंक थी एनटेक में? आई वाज 2000 अबव थी। नहीं पापा क्या करते हैं? और पहले भी मिला यहाँ पे काम चूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको बताए फिर आप पहले आप वर्किंग करो और आप ये भी ज़रा नहीं तो चांसेस बहुत आपके पास अच्छे तरह से। आपकी हॉबीज में लिखा आपने सिंगिंग, आपने फॉर्मली सिंगर है इसलिए इससे सीखा है सर? सीखा तो सिंगिंग में किस तरह के गाने पसंद है? नॉर्मल वॉल्यूम सॉन्ग्स। इसका कोई ट्रेनिंग आपने ली? नहीं। और रहने वाले आपने प्रॉपर चलते तो राजस्थान में जयपुरा आप कहाँ कहाँ गए? सर अजमेर के तो मेरे ग्रेजुएशन में ही सर। मेरे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। हॉस्टल में रहते थे? ठीक है। अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज में घूमे आप? हाँ। क्या क्या थे सर? नारेली जो जेंटर पर नारेली पुष्कर के, उसके अलावा ख्वाजा साहब की दरगाह दरगाह पुष्कर दरगाह आनासागर आनासागर मेरे लिए। हाँ सर जन्म कौन से जन्म है? श्वेतांबर है दिसंबर सर आई है इसके लिए एंट्री बैन करना
जिस तरीके से विमेन की एंट्री टाइम थी, दिस डजंट मीन कि विमेन उनकी सेलिब्रेसी को डिस्टर्ब कर रही है वहाँ. इस तरीके का जो इन्होंने जो सोसाइटी है इन्होंने जिस तरीके का बहुत पुराने समय से चलता जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन वहाँ पे जाकर उनकी सेलिब्रेसी को हैम्पर कर रही है या फिर किसी भी तरीके का जो इन जो लोग ये इनक्वालिटी का एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारे संविधान में कोई जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी उसके अंतर्गत विमेन को एंट्री मिलनी चाहिए. अगर आपके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं सोसाइटी में कि नहीं आपको ये टच नहीं करना या ये किया जा सकता है, लेकिन एंट्री तो एटलीस्ट होनी चाहिए. मतलब ऐसे कि एंट्री करनी जाए तो वो टच ना करें किसी को, टच तो आया से नहीं बहुत कॉस्मेटिक चेंज हो जी जी. अच्छा सबरीमला टेम्पल के सिल्वर के किनारे यूरोप में से बोलते हैं साउथ की दक्षिण भारत की एक बात आप अजमेर से भी ट्रैक किया है दरगाह. देखिए दरगाह में दो तेर रखी हुई, एक बड़ी तेर एक छोटी तेर, वो किसने गिरती थी अकबर और एक बड़ी देर का अकबर में छोटी किसी की तो ये सीकरा अकबर मंदिर का है. ये कब है ये? हाँ चीतलाश्मी पर मेला लगता है और हुमायूं जयंती की पुजारी है और ये खंडित मूर्ति है. सीकरा माता की सवारी क्या है? गधा. अब जयपुर के वास्तुशास्त्र राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए किसी आदमी की एज कितनी होनी चाहिए? 35. ये जो फंडामेंटल जो राइट्स है उसका यदि वॉयलेशन होता है हमारे पास रेमेडीज क्या है? हमारे पास रिट वो कहाँ मेंशन की गई है? आर्टिकल 32. तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? हेलिक्स कॉर्पस मंत्री वो 5 साल रिट है 3 साल क्या कर सकते हैं रिट के माध्यम से? क्या है हम अपील कर सकते हैं. अपील मतलब हम रिट लगा सकते हैं. कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल कर रही है? आप मुझे वैष्णव राजस्थान की 4 प्रॉब्लम बताएं जो एजेएसडीएम बनने के बाद आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं. सर पानी की समस्या ठीक है, इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए. कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है भी राजस्थान. सर आई थिंक थोड़ा डेजर्ट एरिया में कनेक्टिविटी और की जा सकती है. ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो? सॉल्यूशन जो राजस्थान सरकार की पॉलिसीज जो केंद्र सरकार की पॉलिसीज उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. जैसे पानी के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, लेकिन उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग और ऐसी समस्याएं भी एसोसिएटेड है. वाटर लॉगिंग और सेडिमेंट्री की समस्या भी एसोसिएटेड, उसके लिए नई टेक्निक्स इन्वॉल्व की जा सकती है जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन. उसके अलावा विमेन की तो उसमें आप एसटीएम होने का ध्यान क्या करोगे? उसमें वो तो पब्लिक करेगी तो उसको यूज लेना है. सर अवेयरनेस तो नहीं जा सकती और एनजीओ से संपर्क करके नुक्कड़ नाटक और कैंपेन चलाया जा सकता. फर्स्ट
बस यस यू गॉट अ गुड नॉलेज बेस, आपका नॉलेज बेस अच्छा है. ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन यू नो समटाइम्स द कैंडिडेट इज वेरी यंग, सो यू वांट टू नो हिज और हर थॉट प्रोसेस. सब्जेक्ट नॉलेज को जब आपकी फ्रेश यू विल आई एम वेरी श्योर यू विल बी आंसरिंग वेरी वेल जहां सब्जेक्ट कम रहेगा. बट ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बिकॉज यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ यू नो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. तो आपकी ओपिनियंस पे ही बेस हो सकता है कि आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी मैच्योरिटी का कितनी है. बट इट्स नाइस आप अच्छा बैलेंस देते हैं. बट रिमेंबर हमें अगर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहे और लॉजिकल है तो चीज़ ठीक है. पर ऐसा नहीं कि हम एक पोजिशन लेके चले और फिर उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करें. लाइक अगर वुमेन की एंट्री होती है तो किस बेसिस पे होगी, इक्वालिटी के बेसिस पे होगी. और अगर एंट्री होगी तो फिर वो इक्वल फिर वो सबको करेंगी जो 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 पुरुष कर सकते हैं, है ना. नहीं तो फिर एंट्री नहीं होगी. और जब हो रही है तो फिर वो इक्वालिटी. ऐसे नहीं कि मैम एंट्री तो दिखनी चाहिए बट जो होता है वो टच ना करें ना दिखा दें, इट इज बैक टू स्क्वायर वन. तो वो तो फिर भी एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया. दूसरी चीज फिर आप इसमें आप ये ऐड कर सकते हो मैम रीजन क्वेश्चन है फेक सब कुछ यहाँ पे फेथ और लॉ लॉ के नो जस्टिफाई फेथ एंड. तो जब फेथ की बात आती है तो वहाँ पे जिन लोगों का इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं है तो फिर वो वहाँ जाकर के क्यों करना चाहें. और इसके बारे में भी हुआ जो एक्टिविस्ट वगैरह जो आवाज़ उठा रहे हैं क्या ये सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिविज्म. बिकॉज अगर हमारा उस पर फेथ ही नहीं है तो फिर तो हम हर चीज़ को क्वेश्चन करेंगे. पर जिनका फेथ है हमको उनके फेथ को भी फेस नहीं करना चाहिए. So, best is if we go up by the constitution, taking the temple authorities on board. This is the ideal solution for that. However, it will take time because society has been following this since ages. It will take time. But nevertheless, effort to honna chahiye. Yes, awaaz to honni chahiye. Isko koi doubt nahi hai. Right? Baaki aapne pura bataya hai ki bank mein hai karke. That was good. And jahan aapko kuch questions nahi hai, very gracefully. You said, aapne actually phrased this kya no idea. Which I think should not be my idea because it's sorry sir, I'm not able to recall it right now. I'm really impressed with the way you get it. Yes. मैं भी यही देख रहा था काफी देर से क्या कमी कुछ है लेकिन मिला नहीं है. तो बढ़िया है आपके लिए पॉजिटिव है और आप काफी यंग भी है और आराम से कॉन्फिडेंस हो जाए कोई आप प्लेसमेंट कॉन्टेंट भी रहे हो अपने कॉलेज के आपसे खुद को प्लेसमेंट मिला है आपने प्लेसमेंट नहीं किया मिला तो था ऑफर था ऑफर था मुझे ऑफ कैंपस मिला ऑफ कहाँ पर मुझे आपको ये करना चाहिए आपका ननिहाल कहाँ है ननिहाल ज़्यादा नाना सा जी तो अजमेर आप हाँ आपका कोई काका ताऊ कोई गांव में किसी में है आसपास के गांव सर ये पॉसिबल है कि मैं चांसू जाके आ जाऊँ इमीडिएट लगी आपका एक महीने का टाइम है सीख इस बिलीव तो अगर अपने क्लोज रिलेशन में जहाँ आप कंफर्टेबल सेफ फील कर रहे हैं तो दो दिन के लिए गांव में रहिए ठीक है. सी किस भी नहीं हाँ ये थोड़ा ही प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अभी आई विल नॉट रिकवर बट मान लीजिए आपका इंटरव्यू सितंबर एंड तक आता है ना और थर्ड वीक ऑफ सितंबर तक आते आते वैक्सीन वगैरह आ चुकी होगी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपके एक बार बुक गाँव में कम है कोई शहरों में ज्यादा है तो आप उसी तरह का कम है तो जाए दिन भर रहे शाम को और वो अपनी प्रिकॉशन पूरी रखें और ऐसे एरिया में जाए ताकि मतलब एक बार देख के तो आओ गाँव कैसा होता है ठीक है. 400 इज नॉट ए गाँव कस्बा हो गया तो 400 में जो आपके लिए गाँव रहते हैं वो मैंने मेरे मौसा जी के साथ जो भी उनकी वीडियो किया हाँ तो मौसा जी को मौसा जी मुझे 400 थोड़ा सा कुछ थोड़ा गांव और गांव में दो तीन घंटे रुके हैं ये गांव की पंचायत घर है ये परिवार घर है ये आंगनबाड़ी है
अभी तो यार तो गतिविधियां बंद होगी क्योंकि स्कूल भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं, पर आपकी नॉलेज बढ़ सकते हैं सरपंच से जरूर मिलेगी। आप प्रेफरेबली एक लेडी सरपंच हो तो जरूर मिलेगा, मतलब मुझे किसी भी स्कूल में जा रहा हूँ और एक गाँव का आइडिया होना चाहिए। देखिए प्रश्न तो आएगा और अगर मौके पर आप निकले कि मुझे नरेगा का काम चला तो दिखा तो आपका सारा काम उसमें हो जाएगा। आप भी आती हैं काम चल रहे हैं से मजदूर आए हैं उनको मांस खाने के लिए काम तो करना एक काम कर देना जो तारीख आ जाए उससे दस दिन पहले उससे आप सर क्योंकि सुपरस्टिशन सर छोटी है उसे कभी देखा नहीं। और देखिए आप गांव में नहीं रहे तो इसमें आपकी क्या है, वो कौन है जोड़ा मुझे ठीक है उसमें डिफेंसिव मत होना। मैं गाँव में चलता हूँ मुझे शहर का आइडिया थी, आप शहर में चलते तो आपको गाँव का आइडिया देती थी, बट शहर में रहते हुए काम की नॉलेज होनी चाहिए। मैं गाँव का हूँ तो मुझे शहर की क्राइटेरिया बिकॉज आप जिस सेवा में जाना चाहते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा उसका आपकी पोस्टिंग जरूर भी होगी जिसमें आपकी पोस्टिंग लोगों को 5 रुपये की होगी। और कुछ Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.